Welcome to Teletalkies, your one-stop destination for all entertainment news. Well, दोस्तों, आखिर मड़ी की माँ के आगे क्यों हुए अमित शाह नतमस्तक? जी हाँ दोस्तों, इतने बड़े पॉलिटिशियन ने आखिर क्यों झुकाए मड़ी की माँ के आगे अपने सर? क्यों झुक गए अमित शाह? क्या किया ऐसा मड़ी की माँ ने? बताएंगे हम आपको इस खबर के पीछे की पूरी डिटेल। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना आप ना भूलें। वेल, हाल ही में ये अपडेट सामने आ रही है कि पिछले कुछ दिनों में अमित शाह और श्री नरेंद्र मोदी जी से लगातार मुलाकात और बातचीत से जुड़ा हुआ है छोटा सा मणि, और आने वाले स्वतंत्रता दिवस के बहुत ही बड़े महोत्सव का हिस्सा बन सकता है, जहां पे आपको मणि की परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगी और साथ ही साथ मणि की गायकी से इम्प्रेस होकर जो सारे पॉलिटिशियंस हैं वो उससे मिल रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, उसकी जीवन की कहानी सुन रहे हैं। ऐसे में अमित शाह ने जब मणि की माँ को और मणि के घर की हालत के बारे में जाना, तो जानना चाहा कि आखिर मणि किन हालातों में पैदा हुआ, किस तरह से उनका घर का सब कुछ चलता है। तभी मणि की माँ ने अपने घर का सारा हाल अमित शाह के आगे रख दिया। वह उन्हें पता चला कि एक छोटे से मणि की परवरिश के लिए उन्हें कितना ज़्यादा खर्चा उठाना पड़ता है, और सिर्फ यही नहीं, जब मणि उनके पेट में था तब उनके पास दो वक्त की रोटी भी नहीं थी, सही तरह का पोषण वो अपने बच्चे को जैसे तैसे कराती थी, लेकिन हर वक्त उनका पति उनका साथ देता तो था, लेकिन आखिर खाने के बिना किस तरह से रहा जाए। वह ऐसे में वो बताती हैं कि उनके पति ने उनका साथ दिया, वो खुद भूखे रहकर अपने हिस्से की रोटी भी उन्हें देते थे, ताकि उनके पेट के अंदर पल रहे इस नन्ही सी जान को भूख ना लगे। वेल दोस्तों, ऐसे में ये बातें सुनकर और इतना स्ट्रगल सुनकर अमित शाह की आंखें भर आई और वो हो गए एक माँ के आगे नतमस्तक और कहा कि इतना ज़्यादा भार और इतना जोश, इतना बड़ा जज्बा, इतना बड़ा दिल और इतनी सहनशीलता सिर्फ और सिर्फ एक माँ में ही हो सकती है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप स्वयं किसी देवी से कम नहीं है और एक देवी ही एक ईश्वर को जन्म देती है। वेल दोस्तों, आप लोगों के क्या रिएक्शंस हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।